फ्रेंड्स अगेन अ न्यू सेशन ऑन फोर्टेट कोर्स. स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं आज हम डे 11 पर है और हमने आपको अभी तक 10 डेज में बहुत प्रूडेंट बना दिया है. ये जो 15 डेज का जो कोर्स है, जो फोर्टनाइट कोर्स है, ये आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाने वाला है. आपको हर लाइन हर बार एक न्यू वे में सिखाई जाएगी. आपको बॉसी वर्ड्स, बॉसी वोकैबुलरी, बहुत सी चीजें आप इन फोर्टनाइट कोर्सेज के अंदर हमसे सीख रहे हैं. चलिए आज हम 11 डेज की शुरुआत करते हैं. रिया, आग से छेड़खानी मत करो. डोंट टेम्पर विद फायर. ओके, द वर्ड टेम्पर. देखिए वैसे तो ये टेम्पर वर्ड गुस्से लोगों के लिए होता है, यानी कि आग को गुस्सा मत दिलाओ. हाँ, तो वर्ड इज आग से छेड़खानी मत करो. डोंट टेम्पर विद फायर, राइट? तो क्यों ना हम इस लाइन को यूज करें आज के बाद. डोंट टेम्पर, राइट, विद फायर, राइट. चलिए, वह बड़ी बड़ी गप्पे हांकता है. ओके, टॉल टॉक्स. टॉल टॉक्स, द वर्ड इज TALL, टॉक टॉक्स. तो स्टूडेंट ये जो वर्ड है टॉल टॉक्स, इसका मतलब बड़ी बड़ी बातें हांकना. बिल्कुल मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने एक वोकैबुलरी वर्ड में किया था टॉल स्टोरी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें जो सच्ची ना हो, यानी कि टॉल स्टोरीज. तो सेम वर्ड यहां पर लगा है, टॉल टॉक्स, यानी कि उन लोगों के लिए जो गप्पे आते हैं. फ्लिबर्टी गिबेट, अगर स्पेलिंग देखना चाहे तो ढूंढ लेना इंटरनेट पर. फ्लिबर्टी गिबेट का मीनिंग भी गप्पी व्यक्ति ही होता है, फ्लिबर्टी गिबेट. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो वर्ड है हम बोल रहे हैं बड़ी बड़ी गप्पे हांकने वाला व्यक्ति, यस, जो ब्लफ कर रहा है लोगों को, राइट. पर एक वर्ड और मैं आपको यहां मुझे हाईलाइट हो रहा है, जैसे यहां हांकना है तो मुझे याद आ रहा है हांफना. तो कई बार हम बहुत तेज दौड़ते हैं, चलते तो हांफ जाते हैं, उसके लिए इंग्लिश लगती है स्टूडेंट गैस, GASP. तो चलिए इस वर्ड को भी साथ साथ याद कर लेते हैं. गैस्पिंग का मीनिंग है हांफना, जब हम बहुत तेज दौड़ते तो सांस हांफने लग जाता है. द वर्ड इज गैस्पिंग. और फ्लिबर्टी गिबेट जो मैंने आपको वर्ड बताया है, इस वर्ड को भूलिएगा ना, पता कीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, कल आपके काम आ सकता है किसी को बोलने के लिए. व्यायाम हजार दवाओं की एक दवा है. All, और शिया क्योर, तो पैनेशिया, क्योर फॉर ऑल. देखिए पैन से रिलेटेड दुनिया में बहुत वर्ड है, बहुत मीनिंग, सिर्फ आप समझ लो इसका मीनिंग है ऑल, ALL, बहुत. शिया मींस क्योर, तो पैनेशिया, देखिए ये एक मेडिसिन की एक कंपनी भी है पैनेशिया, राइट, व्हिच इज मेकिंग मेडिसिन. रीजन इज ओनली वन, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड है, क्योंकि हजार दवाओं की एक दवा पैनेशिया, राइट. पैनेशिया बायोटेक इज अ वेल रिनॉन्ड कंपनी इन इंडिया. चलिए, वहां भागदौड़ मच गई. पीपल रन पेल मेल देयर. पेल-मेल, कैन यू टेल मी द स्पेलिंग? PELLMELL. वाओ, पेल-मेल, यानी कि हेल्टर स्केल्टर. अगर ये वर्ड सुना हो, HELT या हेल्टर स्केल्टर, SKELTER, हेल्टर स्केल्टर, अस्त व्यस्त. अगर आपने हिंदी में वर्ड जानना है तो भागदौड़ मच गई, बहुत अफरा तफरी मच गई, द वर्ड इज पेल-मेल. तो राइट स्टूडेंट्स, आप पता कीजिएगा ये वर्ड पेल-मेल आ रहा है आपकी डिक्शनरी में, नया वर्ड आ रहा है. हेल्टर स्केल्टर शायद आपने सुन रखा हो, राइट, एक कंफ्यूज स्टेट, एक ऐसी स्टेट जहां पर अफरा तफरी मच रही हो. तो हेल्टर स्केल्टर भी वर्ड अच्छा, और पेल-मेल भी वर्ड रिया ने हमें अच्छा दिया है, प्लीज आप इसे अपनी डिक्शनरी में ले सकते हैं. उसे आपकी बात चुप गई. योर रिमार्क कट हिम द क्विक. वाओ, कट हिम द क्विक, द क्विक, ओहो एकदम से चुप गई, राइट, क्विक. Cut him the quick. तो this word is again a new word. Your remark cut him the quick. तो देखिए word student, आपको उसको आपके बाद जो हुई हो, definitely वो आपसे नाराज भी हो गया, और नाराज के इंग्लिश हम अच्छे से जानते हैं. The word is annoyed, और वो आपसे नाराज हो गया definitely. क्योंकि बात चुप गई तभी वो बुरा मानेगा. Cut him to the quick is to be known as बात चुप गई. उसकी किसी के साथ नहीं पटती. He can't get on with anybody. Okay, get on. देखिए स्टूडेंट, get on, साथ चलना, साथ निभाना, साथ रखना, ठीक है. मैंने आपको बहुत बार वीडियो से बताया, स्टैंड बाय होता है, कंपनी साथ देना होता है. आज हमें जो वर्ड मिल रहा है वो है get on. He can't get on with anybody. तो देखिए नहीं पट सकती, वो नहीं पट रही, तो द वर्ड इज get on. द वर्ड इज get on. चलिए, मैं उसके साथ निपट लूंगा. I shall get even with him. Wow, get even means उसके साथ रहना, चलना, उसके साथ निभाना. द वर्ड इज कैच इवन. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा. देखिए, अगर आप अपनी इंग्लिश को सच में फ्लरिश करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं सर हम आपसे बहुत ज्यादा भी पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे एक न्यू चैनल द वर्ड इज अन अकेडमी, यहां पर भी आकर हमसे स्टडी कर सकते हैं. इसके द्वारा भी आप हमसे नई नई चीजें सीख सकते हैं, और यहां पर भी हम आपको इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर एजुकेटर बन चुके हैं, ऑथराइज एजुकेटर. इसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसका लिंक हमने ऑलरेडी आपको दिया है, वहां पर आप क्लिक करके हमारे अन अकेडमी चैनल पर जाकर आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं. एक अच्छी एडवांटेज आज मैं आपको दे रहा हूँ. यह भोजन खाने योग्य नहीं है. This food is inedible.
ओहो द वर्ड इज इनएडिबल। देखिए मैंने तो अभी तक एडिबल फूड ही देखा था, अब मुझे वर्ड मिल गया है इनएडिबल, यानी के खाने योग्य न होना, शायद जंक फूड होगा। जंक का मीनिंग कचरा होता है, जानते हैं आप ये बात, जंक फूड राइट। तो दिस इज खाने योग्य नहीं है एट ऑल, द वर्ड इज इनएडिबल। चलिए, समय बोझ बना हुआ है, टाइम हैंग्स हैवी। ओहो हैंग्स हैवी, एच ए एन जी एस हैवी, एच ई ए वी वाई, तो टाइम हैंग्स हैवी। पर मैं ये बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये लाइन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तो ये कहूंगा टाइम इज ऑल पावरफुल, समय बहुत शक्तिशाली है। मैं ये कहूंगा टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम वेट्स फॉर नन। मैं कहूंगा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, टाइम इज वेरी प्रीशियस। मैं कुछ टाइम के बारे में हमेशा पॉजिटिव लाइन ही बोलना पसंद करूंगा, मगर यहां पर इसने वर्ड दिया टाइम हैंग्स हैवी, तो ये शायद उन लोगों के लिए होगा जो अपने काम को आज नहीं कल करते और कल पर छोड़ देते, जिसे हम डिले बोलते हैं। चलो इसका एक नया वर्ड आज आपको सिखाते हैं, द वर्ड इज प्रोक्रास्टिनेट, C-R-A-S-T-I-N-A-T-E। देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट, इसका मीनिंग है टू डिले। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, द वर्ड इज टू डिले। अब देखिए प्रोक्रास्टिनेट का मीनिंग डिले होता है, ये बात हमको समझ आ गई। क्या प्रोक्रास्टिनेशन करना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं है। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए टाइम हैंग्स हैवी, समय बोझ बन जाता है, बिल्कुल सच बात है। प्लीज, यह बात किसी से छिपी नहीं है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओके, ओपन भी और सीक्रेट, वाओ द वर्ड इज ओपन सीक्रेट। देखिए फ्रेंड्स कैसा वर्ड है, इट मींस व्हाट, कि किसी से जो बात नहीं छिपी होती, ओपन सीक्रेट राइट। चलिए yes please, I want to talk to my viewers. You can. So friends, as you know that first is semantic way of spoken English, second is universal interview and group discussion, and third is medical representative. Students, आप अच्छे से जानते हैं हम अपनी बुक्स को आपको प्रमोट करते हैं, और हम ये चाहते भी हैं कि आप हमसे बुक्स लीजिए, और अगर आपको एडवांटेज मिलता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए भी। स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम आपको संडेस के लिए इन्वाइट भी करते हैं, और अगर आपको पसंद आते हैं हमारी क्लासेस तो अगर आप अपने व्यूज भी दे सकते हैं। और प्लीज स्टूडेंट, जितने भी बच्चे अभी तक हमारे पास आए हैं, हमने पूरी कोशिश करी है उन बच्चों को सेटिस्फाइड करने की। इसके अलावा आप अच्छे से जानते हैं कि हम ऑल इंडिया अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं टेलीफोनिकली, हमारे पास बहुत से स्टेट्स के टीचर्स, बहुत से स्टेट के स्टूडेंट्स, बहुत से एयर होस्टेसेस, कैबिन क्रूज, टीचर्स, ये जो लोग हैं एमआर, ये हमसे टेलीफोनिकली कोर्सेज भी कर रहे हैं। रीजन इज ओनली वन, क्योंकि वो आ नहीं सकते। बहुत से इंजीनियर्स ऐसे जो अपने करियर में जाना चाहते हैं, एमबीए बच्चे हैं जो अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं, मगर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से, कम्युनिकेशन और अच्छी आंसरिंग ना होने के कारण। सो आप भी अगर कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आइए, वेलकम है आपका, फूड अकोमोडेशन हम अरेंज करवा के देंगे, और अगर आप नहीं आ सकते तो डेफिनेटली आप हमसे टेलीफोनिक कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीलामी में उसने मुझसे बढ़कर बोली बोल दी, He outbought me the auction. Okay, outbought, isn't it? यही वर्ड है? Yes. Outbought, the word is outbought. देखिए सुन, आपने bid word सुना होगा, bid का मतलब बोली होता है, right? Outbid जो वर्ड है उसका मीनिंग है के बढ़कर बोली लगाना। Outbid is something which to be known as present, तो obvious है, outbought उसका past होगा, यहां हम जानते हैं। Auction word जो ये बोल रहे हैं उसका मीनिंग होता है नीलामी, तो नीलामी में जो ऑक्शन के दौरान जो बोली लगती है उसे बोलते हैं बिड। बिड का मतलब होता है बोली, और आउटबिड का मतलब से परे, से ज्यादा बोली लगाना। और सिंस दे जो बात है पास्ट की, इसलिए इन्होंने बोला आउटबोर्ड इन ऑक्शन, राइट। मामला बिगड़ जाएगा, द मैटर विल टेक अ सीरियस टर्न। ओके, सीरियस टर्न, एस ई आर आई ओ यू एस, सीरियस टर्न। तो प्लीज आप अपनी लाइफ में कभी सीरियस ना होइए, सीरियस ऑफ आईसीयू या हॉस्पिटल में ही होना, यहाँ लाइफ में कभी सीरियस ना होइए, खूब एंजॉय करो लाइफ को, यू शुड बी वेरी जॉवियल। मैं आपको जॉवियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जॉवियल का मीनिंग होता है प्रसन्नचित, खुश रहने वाला। आप अपनी पर्सनालिटी में वर्ड डाल सकते हैं कि सर मैं एक जॉवियल पर्सनालिटी हूँ, आई डोंट लाइक एनीबडी टू रिमेन सैड इन माय कंपनी, मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, मैं तो जॉवियल पर्सन हूँ, खुश रहने वाला, राइट, प्रसन्नचित, जिसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी कह सकते हैं। यहाँ एक वर्ड आपको सिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, द वर्ड इज फिलैंथ्रोपिस्ट, थ्रोपिस्ट का मीनिंग है स्टूडेंट्स, The word philanthropist means lover of mankind. और अगर आप सच में lover of mankind है, आप अगर लोगों का भला करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों का भला करना, you are a philanthropist type of personality. और इसका opposite है misanthropist personality, यानी कि MIS anthropist personality. उसका meaning है जो human से love नहीं करता हो, और philanthropist का meaning है जो man से love करता हो। I hope students, ये जो 11 days अभी तक आपको हमने दिए, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें हम आपको कोशिश कर रहे हैं नई vocab, नई बात, नई verb देने की, इसके साथ साथ ये lines की English देने की, और आप इनको practice कर रहे हैं। Hope ये जो fortnight course है ये आपको बेहद पसंद आएगा, 15 days तक हम आपको definitely prudent बना देंगे। Thank you.